गिरिडीह जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हाथी द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस बार जंगली हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना मुफसिल थाना इलाके के बजटो गांव के समीप कुरकुरिया पहरी जंगल की है। बताया जा रहा है कि बजटो की रहने वाली 32 वर्षीय ललिता देवी महुआ चुनने जंगल गई थी। यहां हाथी ने महिला को कुचल कर मार डाला। जब लोग बराबर नदी की तरफ से निकले तो लोगों को घटना की जानकारी मिली। इस पर परिजनों को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों के साथ परिजन मौके पर पहुंचे। महिला की मौत के बाद जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। कैसे घटना हुआ, क्या जानकारी मिला आपको? हाथी मार दिया ना, तब ने फोन किया। अच्छा, कहाँ हाथी मारा इसको, कहाँ गई थी रात में? ये था खेत, कब आई थी, कितने बजे? 5 बजे वो सुबह सुबह आई थी, उसी समय हाथी चपेट ले लिया ना। बिछने लगा तब तक उधर से हाथी है दब दी। जानकारी कैसे मिला आपको? फोन किया हमारा उसका सास, सास ससुर यहीं भी है, सास ससुर यहीं भी। आपका वो कौन है? हमारा लड़की है। क्या नाम है आपका? हमारा आपका आपका क्या नाम है? तिब्बत माता का लिता देवी पति शंकर महतो का महुआ चुनने के लिए सुबह 5 बजे आई हुई थी जंगल में, जो जंगली हाथी द्वारा उनको सामना हो गया और सामना के दरमियान उनकी मौत हो गई है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका 3 ठो बच्चा है जिसका भरण पोषण करने के लिए उनका उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए, जिसमें उनका पढ़ाई लिखाई और देख रेख हो सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद साव है। वहीं घटना की सूचना के बाद वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया। मामला है कि जंगली हाथियों द्वारा एक महिला जो ग्राम बस्तों की रहने वाली है, उसको जो है मतलब यहां पर कुचल कर मार दिया हाथी द्वारा। तो इसमें हम लोग को सूचना मिली थी, तो हम लोग तुरंत पहुँचे हैं और जो है इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा के इसका जो मुआवजा है वो सरकारी प्रावधान के तहत इसको दिया जाएगा। ये महिला के साथ जो ये घटना हुई थी, इसमें हाथी की संख्या कितनी है? हाथी की संख्या 1 बताया जा रहा है अभी तक। तो ये महिला इस जंगल में आई है कैसे? ये यहाँ चूँकि अभी महुआ गिरने का जो है सीजन है और लोग अपना खेत के बगल में महुआ चुनने के लिए आता है और जंगल भी खेत के बगल में है, तो इस तरह से जो है हाथी द्वारा इसको दौड़ा के मारा गया, ऐसा पता चल रहा है ग्रामीण द्वारा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार महतो हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।